इस वीडियो में हम आपको फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए, यह सुझाव दिया। आपका आंसर है भारत में युद्धोत्तर विकास की शिक्षा योजना। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय स्थिति पर किसने विचार किया। आपका आंसर है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किसने दिया था। आपका आंसर है सार्जेंट रिपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया। आपका आंसर है राधा कृष्णन आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कौन विदेशी नहीं था। आपका आंसर है के एन बहल जो थे वो विदेशी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए। आपका आंसर है स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जोर प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए डैश शिक्षण अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक थी। आपका आंसर है कक्षा 5 से कक्षा 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका आंसर है मुदालियर आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था। आपका आंसर है माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग यह अनुशंसा नहीं करता है कि। आपका आंसर है विद्यार्थियों की केवल मानसिक प्रगति का आकलन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभाजित किया। इस क्वेश्चन में डाउट है, इसलिए अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था। आपका आंसर है कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपका आंसर है दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी। आपका आंसर है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था। आपका आंसर है संपूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध था किससे। आपका आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग है। आपका आंसर है 12 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन किया गया था। आपका आंसर है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान करने की बात किसने की। आपका आंसर है नई शिक्षा नीति 1986 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POA 1992 में कितने भाग है। तो POA 1992 में 24 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। आपका आंसर है कक्षा 6वीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MERUS का पूर्ण रूप क्या है। आपका आंसर है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को एक नए पाठ्यक्रम से बदल दिया गया है। आपका आंसर है 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख का मतलब है।
परख का मतलब है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। आपका आंसर है 2035 तक। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।